जेसीओ ट्रेडर्स नरेल लाफुघाटी, भारत में एप्पल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के भरोसेमंद ट्रेडर्स। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही कथित आत्मा की एक वीडियो क्षेत्र में कोतूहल का विषय बनी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि वीडियो में उस स्थान को दिखाने की कोशिश की गई है जहां पर साल 2017 में एक खौफनाक निजी बस हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस वीडियो को एडिट कर लोगों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से वायरल किया गया है। वीडियो में एक साय को धुंध के बीच जगमगाती रोशनी में चीख चीख कर चलते हुए दिखाया गया है। दिव्य हिमाचल इस वीडियो की सत्यता की कोई भी पुष्टि नहीं करता है और लोगों को आगाह करता है कि इस तरह की किसी भी भ्रामक जानकारी को ना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और ना ही किसी तरह की अफवाहों में आएं। जेसीओ ट्रेडर्स भारत में एप्पल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का 12 महीनों का कारोबार करते हैं। जेसीओ ट्रेडर्स के मार्केट यार्ड नरेल लाफुघाटी में आएं और अपने सेब का बेहतर दाम और समय पर पेमेंट पाएं। बागवानों की सुविधाओं के लिए नरेल में सीएस स्टोर भी उपलब्ध। कोविड-19 के रूल्स फॉलो करें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। जेसीओ ट्रेडर्स नरेल लाफुघाटी, हेड ऑफिस एशियन लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, आजादपुर, दिल्ली। सर, जैसा इस बार कोरोना संकट चला है तो क्या अपील रहेगी आपकी लोगों से? कोरोना संकट तो देखिए सबके लिए है, मेरी तो यही अपील रहेगी कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है सारी फॉलो की जाए, मास्क पहना जाए, सैनिटाइज का यूज किया जाए। जैसे आप देख रहे हो हमारी जेसीओ ट्रेडर्स की मंडी में हम सारा इंतजाम करके रखा है, फेस मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजिंग सब करके रख रहे हैं। लेकिन बाकी ग्रोवर से भी मेरी यही अपील है कि मेंटेन करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, जिससे हमारी भी यहाँ हेल्प हो सके कि और कोरोना ना फैले और मंडी चलती रहे। बाकी जेसीओ ट्रेडर्स यहाँ पर आपके लिए है ही है, सेब आपके खरीदने के लिए। ज्यादा काम होगा, सब कुछ होगा। हाँ, कोरोना से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी जरूर, लेकिन अगर साथ में सब करेंगे तो सब सीजन अच्छा निकल सकता है।